10 दिन पहले GSPL का शेयर 20% गिर चुका है। क्या था रीजन? PNGRB यानी कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने टैरिफ चेंज किया है, जिससे शेयर में आपको 20% का डिप देखने मिला है। पर यह शेयर अभी 294 रुपीज चल रहा है। ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या शेयर और नीचे जाएगा? क्या ये शेयर 100 रुपये जाएगा? चलिए देखते हैं। GSPL यानी कि गुजरात स्टेट पेट्रोनेट एक लार्जेस्ट प्लेयर है नेचुरल गैस ट्रांसमिशन में। लीडरशिप पोजीशन पे है पूरे गुजरात स्टेट में। वीडियो में मेरे व्यूज़ बताने से पहले बता दूं कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये बस स्टॉक का एनालिसिस है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। GSPL का मार्केट कैप 16,500 करोड़ रुपये का है। कंपनी अभी ट्रेड कर रही है 10.7 PE रेशियो पे। अब जो टैरिफ चेंज हुआ है उसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि कंपनी का प्रॉफिट 30-40% कम हो जाएगा। इसे याद रखना, हमें आगे यूज़ करेंगे। कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखें तो वो है 10 साल का 31%, 5 साल का 20% और 3 साल का 14%। सेम वे प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल का, 5 साल और 3 साल का 12%, 17% और -2%। 3 साल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, इसलिए लास्ट 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ भी कम है। पर जब कंपनी मार्जिन रिकवर करेगी तो शेयर प्राइस तेज़ी से बढ़ेगा। इसी कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है 10 साल, 5 साल और 3 साल की 22%, 27% और 23%। हमने जो वैल्यूएशन निकाली है वो है एवरेज 17% के ग्रोथ रेट पे। और इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू पहले निकल रही थी 570 रुपीज़, पर अब जब प्रॉफिट 30% कम होने वाला है तो इसका ग्रोथ रेट कम कर देता है, मतलब कि 12% गिने तो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू बनती है 510 रुपये। कंपनी मेरे एनालिसिस से आज भी अंडर वैल्यूड है। भले ही शेयर प्राइस 20% गिरा है और प्रॉफिट्स भी कम होने वाले हैं, पर कंपनी अंडर वैल्यूड है। अगले एक साल में हो सकता है कि ये कंपनी के शेयर में ज़्यादा मूवमेंट ना दिखे, पर आने वाले 2 सालों में इसके रिटर्न बहुत तगड़े होने वाले हैं और बहुत अच्छे रिटर्न देंगे, क्योंकि अंडर वैल्यूड शेयर है। तो लॉन्ग टर्म में इसका शेयर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भले ही शॉर्ट टर्म में यानी कि थोड़े महीनों में शेयर प्राइस का मूवमेंट कैसा भी हो, पर ये शेयर अच्छा रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म में। हमारी YouTube चैनल पे हर महीने अंडर वैल्यूड स्टॉक डिस्कस किए जाते हैं। अगर आप भी ऐसी इंपॉर्टेंट स्टॉक इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो।